आज सुबह अराउंड 7:45 और 8 AM के बीच में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ यहाँ पर रिवर जहल में। एक बोट कैप्साइज हो गई जिसका अब एसरटन इस टाइम कर रहे हैं कि कितने लोग उसमें थे। तो एज ऑफ नाउ जो हमारे पास अभी हमने इस पे जांच की है वो ये है कि दैट इसमें हमारे पास अराउंड 15 लोग जो है वो सवार थे, जिसका ब्रेकअप ये है कि उसमें 7 जो है माइनर्स थे और जो 8 है वो एडल्ट्स थे। और सुबह से ही अगर आप देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, चाहे पुलिस, आर्मी, SDRF, NDRF के द्वारा हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। और हम लोगों ने सुबह से 12 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 6 की डेथ हो गई है और बाकी जो 6 हैं उनमें 3 जो है वो जेर इलाज है, वो स्टेबल है, और बाकी 3 वो नॉर्मल है, वो घर पे है। और इस टाइम एज ऑफ नाउ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दैट इस टाइम हमारे पास 3 लोग मिसिंग हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं और 1 एडल्ट है। उनमें पूरी कोशिश की जा रही है कि दैट हम लोग उनको फाइंड करें। सारी टीम्स SDRF, NDRF, आर्मी, पुलिस, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर है और पूरी जा रही है। ठीक सर, ये बताइए कि कोई अलर्ट आपने यहाँ इशू किया था, क्योंकि जहलम की पानी का पानी जो सतह बहुत ज़्यादा थी, तो कोई अलर्ट हुआ था कि देखिए, लोगों कल ने क्या इनिशियल किया था अलर्ट कि हमने दे दिया था। जो अगर आप देखेंगे कल मैं भी करीब रात पे मैं भी 12 बजे तक भी बाहर ही था। और जो डेंजर लेवल है जहलम की वो 18 फुट है राम मुंशी बाग में, और इनिशियल जब 10 का ऊपर जाता है तो हम लोग जो है इसको एक अलर्ट देते हैं। जो लोग नियरर टू द जहलम बैंक्स हो गए या किसी जगह रहते हैं अलर्ट देते हैं, पर डेंजर लेवल से जहलम नीचे फ्लो कर रहा था। और अगर आप पता होगा कि कल अराउंड मान के चलिए 10 बजे के करीब ये रुक गया था, बारिश पूरी रुक गई थी और हमारे बाकी जो ड्रेनेज के जो ऑपरेशन थे वो हम कर रहे थे। जी, सर, क्या ये माना जाए कि ये ओवरलोडेड था ये बोट, क्योंकि अभी 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 हमें थोड़ा सा काम करने दीजिए। वी आर लुकिंग इनटू दैट। तो एसएसपी साहब, उन्होंने बताया कि आप बोट कैपसाइज हुई है, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। ठीक है, अभी हमारा जो प्रायोरिटी और जो फोकस है, इट इज़ अबाउट सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ दोज हु आर मिसिंग। उसके लिए 4 टीम SDRF की, 2 टीम NDRF की, 2 टीम रिवर पुलिस की, और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने भी अपनी बोट और डाइवर्स प्रेस किए हैं। साथ ही 4 डाइवर्स SDRF के और मार्कोस की भी डाइविंग टीम आ गई अलॉन्ग विद द 4 डाइवर्स। तो अभी हमारा जो फोकस है कि आगे आने वाले टाइम में एरिया को डिवाइड करके हम जो पॉसिबल एरिया है, प्रोबेबल एरिया है, उसमें सर्च को और इंटेंसीफाई करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रेस्क्यू दोज आर मिसिंग। थैंक यू।